हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट सीसी एंड सीयू। तो सीयू जो है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ये होता है डी 60 अपॉन डी 10, और सीसी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये होता है डी 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी 10 डी 60। तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डी 10, डी 30 एंड डी 60। तो डी 10 क्या है, वो सीव का साइज है जिसमें से 10% मटेरियल पास हो जाते हैं, मतलब 10% फाइनर देन साइज। और डी 30 का मतलब क्या है, ऐसी सीव का साइज जिसमें से 30% मटेरियल पास हो जाता है। और डी 60 का मतलब क्या है, ऐसी सीप का साइज जिसमें से 60% मटेरियल पास हो जाता है। अभी हाउ टू फाइंड आउट डी 10, डी 30 और डी 60। तो डी 10 क्या मतलब है, डी 10 का मतलब ऐसी सीप का साइज जिसमें से 10% मटेरियल पास हो जा रहा है। तो देखिए ये 10% यहां पे आ गया, हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये इसमें परसेंटेज हमने डाला हुआ है और इसमें हमने सीट का साइज डाला हुआ है। तो 10% का मतलब ये है, देखिए ये 10%, और इसको जब हम नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है डी 10। तो डी 10 इसमें क्या है, इक्वल टू 0.02। अब देखिए ये 0.01 है और ये 0.02 हो गया। उसी तरीके से डी 30 का मतलब क्या है, ये देखिए 30% ये है और इसको हम नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये देखिए ये यहां पे आ जाता है। तो ये क्या है, 0.6 है, कैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो D30 क्या हो गया, ये 0.6 mm हो गया। उसी तरीके की D60 क्या है, ऐसी सीप का साइज जिसमें से 60% मटेरियल पास जाता है, इसको हम नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यानी D60 इक्वल टू 9 आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर हमको पूछ सकते हैं। अब कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, D10 इक्वल टू 0.02 mm आया था, D30 इक्वल टू 0.6 mm आया था, D60 इक्वल टू 9 mm आया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है, D60 अपॉन D10। तो D60 9 डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल टू 450 आपका आ गया। अभी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है तो सीसी इक्वल टू D30 का होल स्क्वायर, D30 है हमारा 0.6 है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय D10 0.02 और D60 9, कैलकुलेट करने पे आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉइल जो है वेल ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्राइटेरिया क्या दिया गया है, टेबल के 3 के हिसाब से IS 1498। अगर सीसी 1 से और 3 यानी 3 और 1 के बीच में हो और सीयू जो है 4 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो ग्रेवल के लिए, और ये सॉइल के लिए। तो हमारा देखिए इसमें कैटेगरी में फिट हो जा रहा है, ये सीसी जो है हमारा 1 और 3 के बीच में, ये देखिए 1 और 3 के बीच में, और सीयू जो है 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से ज्यादा, तो सीयू हमारा 450 है। तो इसका मतलब सॉइल जो है वेल ग्रेडेड है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।